Good morning, dear. Today we are here for the identification of pranam. Last day we were discussing the identification of noun, how to identify the noun. Nowadays in this session we are learning how to identify the words, means recognition of word, identification of words, in which this is the sub chapter named identification of pronoun. Thank you. We know sufficiently that the word that replaces noun, it means वैसे शब्द जो noun को replace करते हैं, that comes on place of noun, जो noun की जगह पे आते हैं, that comes in stead of noun, जो noun के स्थान पे आते हैं, हम उनको क्या करते हैं, pronoun करते हैं. सवाल उठ रहा है कि यदि इसका एग्जांपल देखा जाए तो दिस दैट दीज दोज आई वी ही दे ईच एवरी एटसेट्रा और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनको एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं. जैसे नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो नाउन को रिप्लेस करने की बात है. तो यदि मान लीजिए कोई नाउन के नाउन का हम एग्जांपल लेते हैं, सच कोई व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सचिन यदि हम बोलते हैं रेनू, तो रेनू दिस इज द नेम ऑफ अ गाय, दिस इज द नेम ऑफ अ फैमिली, दिस इज द नेम ऑफ अ फीमेल गर्ल रेनू. अब इस रेनू को रिप्रेजेंट करने के लिए रेनू इज माई सिस्टर. अब इस रेनू को मैं रेनू नहीं बोल करके नेक्स्ट सेंटेंस में इस रेनू के लिए मैं सी ले सकता हूँ. Renu is my sister. She is intelligent. She is a good girl. So this word is here pronoun. This is representative pronoun because it is replacing the word Renu. It is replacing the word Renu. It means noun. Thank you. Now we have to identify how to identify the noun. There is a cool concept to identify the noun. Here it is indicating that the words means वैसे शब्द that are joined with body, जो बॉडी से जुड़े हुए हैं, वैसे सब जिसमें बॉडी लगा हुआ हो, बी ओ डी वाई बॉडी शब्द जुड़ा हुआ हो, वन थिंग सेल्फ एंड सेल्फ मींस ये सब हमारा सफिक्स है. किसी शब्द में सेल्फ सेल्फ बॉडी वन या थिंग जुड़ा हुआ है, तो हम वैसे शब्द को प्रोनाउन समझेंगे, वैसे शब्दों को प्रोनाउन रिगार्ड करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां दिया हुआ है, जैसे बॉडी से कंक्लूडेड शब्द जो है, जिसमें जिस शब्द में बॉडी इंक्लूड है, कनेक्टेड है, सच एज एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, इन द सेम वे फॉर वन थिंग सेल्फ एंड सेल्फ, सच एज फॉर वन नो वन एवरीवन एनीवन समवन थिंग एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग समथिंग सेल्फ और सेल्फ के लिए माय सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ हिज सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ देयर सेल्फ एंड देम सेल्फ. So these are all the words representing pronoun. Now here we do know that how many pronouns in English language or literature. There are so many words in English language and literature. But how to identify? And for the totaling of pronoun, what can we get? There are not unlimited pronouns. Pronoun is limited. It is fixed in number. Pronoun की जो संख्या है वो fixed है. ये सीमित है, ये limited है. Yes, noun के लिए यदि हम लोगों से कोई पूछता है कि how many nouns in English language and literature, then this is not confidential, this is not fixed in number. There are so many pronouns, it is not counted and exactly that there are so many pronouns. So, but if we talk about pronouns, so it is fixed. Here are the list of pronouns, here are the numbers of pronouns. These are only pronouns, not more than this, that there are so many pronouns. तो जो भी प्रोनाउंस है, ये सारे प्रोनाउंस यहाँ लिखे हुए हैं, मेनली इतने ही प्रोनाउंस होते हैं. कुछ प्रोनाउंस आपको डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस के बुक्स या पब्लिकेशन के बुक में जब हम लोग देखेंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मिल जाता है, परंतु वो फिर वर्ड्स का जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पर वर्ड्स को हम अप्लाई करते हैं. कोई एक वर्ड हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, पर मेनली यदि प्रोनाउन की बात करें तो मूल तौर पे हमारा टोटल प्रोनाउंस जो है, लिस्ट ऑफ जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस की जो सूची है, उसमें शामिल है आई वी, आई का
फर्स्ट पर्सन, अभी दोनों फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पर्सन में हमारा यू हो जाता है जो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर लगाते हैं। ही सी इट ये तीनों थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, पर्सनल प्रोनाउन में ही आ रहा है। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो ये हमारे पूरे प्रोनाउन जो है आई से लेकर के, और यदि हम लोग देखें तो कहां तक, आई से लेकर के और यहां तक दे तक, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स एंड इट्स, दे, दियर्स, दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस है, ये पजेसिव केस है। ये पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस है। देन मी, अस, हिम, हर, देम, दिस वन, दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हैं। देन यदि हम बात करें दिस, दैट, दीज, दोज, एनी, सम, तो ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसी के अंतर्गत, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ही अंतर्गत एनी अदर, एनी या फिर बॉडी से बना हुआ प्रोनाउन, वन से बना हुआ प्रोनाउन, थिंग से बना हुआ प्रोनाउन, इसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। आगे यदि हम चर्चा करें ईच का, एवरी का, इधर का, निधर का और नन का, तो ये हमारा ईच, एवरी, इधर, निधर, नन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जिनको बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। देन बॉडी से बने हुए प्रोनाउन, वन से बने हुए प्रोनाउन और थिंग से बने हुए प्रोनाउन हमारे, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेल्फ और सेल्फ से जुड़े प्रोनाउन। तो देखो भाई, सेल्फ और सेल्फ से बने हुए प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, ये जितने भी प्रोनाउन हमारे हैं, ये पूरे के पूरे इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तक आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको हम लोग नीचवाचक सर्वनाम बोलते हैं, इंफेटिक जोरदार सूचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। तो इंफेटिक प्रोनाउन जो है प्रायर वो शब्द के, जो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद उसके साथ में आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारा प्रायर जो है सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अब हमारा एज, ईच अदर और वन अदर, देखिए ईच अदर और वन अदर जो है ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, पारस्परिक सूचक प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है एक दूसरे, ईच अदर और वन अदर, एक दूसरे। नाउ इफ वी डिस्कस हु, whom, whose, what, which, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। Who, whom, whose, what, which, ये हमारा इंट्रोगेटिव भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अदर, अनदर्स, ये हमारे दोनों क्या है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सच एंड अदर्स, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, ये सारे हमारे प्रोनाउन की सूची है, प्रोनाउन की लिस्ट है। मूल तौर पे हमारे इतने ही प्रोनाउन हैं जो हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में पढ़ते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो नाउ देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, अब हम लोगों के पास किसी तरह का कोई समस्या नहीं है कि प्रोनाउन को हम कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी आइडेंटिफिकेबल एंड वी आर नोन टू दिस, वी कैन एनीवेयर आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। अब हम लोग प्रोनाउन को कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ भी लिखा हुआ होता है तो हम लोग देखते ही पकड़ लेंगे कि ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, कंफर्म है। एक बार और फुल कांसेप्ट का चर्चा करते हैं। माय डियर, कहीं भी यदि लिखा हुआ, यदि कनेक्टेड वर्ड बॉडी से, वन से, थिंग से, सेल्फ और सेल्फ से जुड़ा हुआ शब्द देखते हैं तो वो ये इस चीज को इंडिकेट करेगा, क्लैरिफाई करेगा कि वो जो सेंटेंस है हमारा प्रोनाउन, वो जो वर्ड है प्रोनाउन का वर्ड है। ओके, एनी प्रॉब्लम, थैंक यू, I'm very thankful to all of you for watching my session, for watching my clip. Thank you a lot of thanks.